ब्रेकिंग न्यूज़ हम शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रेकिंग आ रही है हमारे सामने। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मरदान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दो दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेस मवाद बरामद हुआ है। मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहा। इस हवाले से नुमाइंदा खसूसी सलमान अवान डिटेल्स हमसे शेयर करेंगे। जी सलमान जी, बिल्कुल, ये मतदान में किया जाने वाला एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जिसकी इतलात मिली थी। इस इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई के दौरान जैसे कि आपने भी बताया कि दो दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। और हलाक होने वाले ये दहशतगर्द जो है अपने इलाके के अंदर कई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे, मकामी आबादी के खिलाफ कार्रवाइयों के अंदर मुलविस थे। इस वक्त इस इलाके के अंदर एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है कि अगर इस इलाके में बचे कुछ दहशतगर्द या उनके सहूलतकार वगैरह मौजूद हैं तो उनका मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। मकामी आबादी जो कि पहले ही तंग थी इस दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से और इन दहशतगर्दों से, उनकी जानिब से सिक्योरिटी फोर्स का खैरमकदम किया गया है, कार्रवाई का खैरमकदम किया गया है और यकीन दिलाया गया है कि ऐसी कार्रवाइयों में फोर्सेज के साथ मुकम्मल तआवुन किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया सलमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।